सो हेलो गाइस, रात के बज रहे हैं 1:30 और तारीख है 12। 12 तारीख अभी लगी है और हाईवे पे हैं। और हाईवे पे इसलिए हैं क्योंकि कहीं की ट्रिप प्लान हुई है सडन। और किसके साथ हुई है ये सब देख के आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो ब्लॉग की शुरुआत यहाँ से करी है। अब बहुत टाइम बाद आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाया है, तो बताना कैसा लगा। और बहुत सारी चीज़ें, अभी मैं बहुत ज़्यादा ही व्यस्त था, दीदी की शादी वगैरह थी, उसके बाद बहुत सी चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो गई, तो इस वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मौका लगा, टाइम मिला और कोई बहुत ही खास शख्स मिलने वाला है। और कहाँ जा रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ ये भी ब्लॉग में पता चलेगा। तो बने रहना ब्लॉग में और प्यार और सपोर्ट बनाए रखो, आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहा हूँ। तो दोस्तों, लगभग लगभग 350 किलोमीटर और 6 से 6.5 घंटे का सफ़र करने के बाद हम पहुँचे जयपुर। और जयपुर स्टेशन पे पहुँचे फिर हम, उसके बाद हम मिले हमारे पुराने दोस्त जो कि हैं ये। तो गाइस, ये इंसान है जिसको पिछले 1 साल से ढूंढा जा रहा था, दोबारा मिल चुके और ये फ्री में मिल गया हमको। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये हमको नहीं पता, क्यों बताएं तुम लोगों को, ब्लॉग देख लेना पता चले। आवाज़ जा रही होगी? नहीं जा रही ना, कोई दिक्कत नहीं है, शक्ल देख रही है, वॉइस ओवर डाली। गाइस, फाइनली हम हैं जयपुर के अंदर और जयपुर से अब हम लोगों की ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है खाटू श्याम जी के लिए। और इस इंसान को आप बहुत समय बाद ब्लॉग में देख रहे होंगे, तो देखते रहो। जो तुम्हारा मंदिर कुछ नहीं बोला। हाय गाइस, काफ़ी मिस किया होगा आप लोगों ने मुझे, और मैंने भी काफ़ी मिस किया केडी ब्लॉग्स को, केडी को। तो फाइनली ये मिलने आए हैं हमसे जयपुर, और हम लोग जा रहे हैं एक बहुत बढ़िया ट्रिप पे, एक भगवान के दरबार जा रहे हैं हम। काफ़ी मज़ा आने वाला है इस ट्रिप पे, और देखते हैं आगे कितना मज़ा आता है। और ये हमने एक एसी बस यहाँ से निकल रही थी जिसका 120 रुपये का टिकट है, तो हम 3 लोग हैं, ये भी है हमारे साथ। आप कुछ कहना चाहेंगे? जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। और जयपुर से अभी कितने बज रहे हैं? बज रहे हैं 6 बज रहे हैं शाम के, और जयपुर से हम लोग अब निकलने वाले हैं इस बस के थ्रू। अब ये लगभग लगभग 1.5 से 2 घंटे के अंदर हमको खाटू श्याम जी के पास पहुंचा देगी, और फिर वहां दर्शन करने में जितना जो भी समय लगेगा वो आप लोगों को हम अपडेट करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए ब्लॉग में और वीडियो को लाइक कर दो, मैं बहुत गरीब हूँ, सब्सक्राइब भी करो। गरीबी कमी नहीं हो रही इसकी अभी, वो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 14 सब्सक्राइबर और कर दो, मेरे 400 पूरे हो जाएंगे। स्वागत है आपका किडापुर ब्लॉग्स में, और हमारे साथ हैं अभी ये भावेश पारिक जी, केशव पारिक जी, इनसे आप भली भांति परिचित हैं, और काफ़ी समय बाद हम लोगों का मिलना होगा। और हम अभी आ रहे हैं जयपुर से थोड़ी दूरी पर सीकर, और सीकर के पास है रिंगस, और रिंगस में सबसे मशहूर एक चीज़ है जिनका मंदिर है श्री बाबा खाटू श्याम जी का मंदिर, और हम लोग वहीं जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे सौभाग्य से आज मंदिर में दर्शन करने का प्राप्त हुआ हमको मौका ये। तो अभी हम सब लोग 9:30 बज चुके हैं, रात के आने में थोड़ा लेट हो गए थे, तो अब मंदिर पहुंच रहे हैं, आपको दर्शन कराएंगे सारी चीज़ों का। ब्लॉग में बने रहिए और बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा, और इस आदमी से बहुत समय बाद मिल रहे हो तो आप लोग कुछ कहना चाहते हो तो कह देना, बाकी छोड़ो उसको, इग्नोर करो, हम मंदिर चलते हैं। छोड़ो छोड़ो, बाय। सो गाइस, रिंगस में थोड़ा सा स्टॉप लेने के बाद हम लोग डायरेक्ट निकल आए थे मंदिर के लिए, और मंदिर में अंदर जाने के लिए रास्ता है, और हमारा सौभाग्य था कि मंदिर जिस समय हम लोग गए तो रात का समय था, जिसके कारण भीड़ थोड़ी कम थी। तो यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप आ रहे हो तो फिर शाम के समय 8 से 10 के बीच अगर आप आते हो तो आपको ज़्यादा अच्छे से दर्शन हो पाएंगे, इनफैक्ट सुबह या फिर एकादशी या 11 वाले दिन के अलावा। मतलब भीड़ तो थी लेकिन थोड़ा ये था कि आपको दर्शन बहुत अच्छे से हो जाएंगे। बोल खाटू नरेश की जय। जय।
उसके बाद हम पहुंचे तोरण द्वार पर, जिसमें सुबह शाम के समय तो बहुत ही अच्छी रौनक रहती है, काफ़ी ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं और काफ़ी सारी घूमने की चीज़ें हैं वहाँ पे आसपास, और काफ़ी अच्छा मतलब लगता है तोरण द्वार के पास। तो अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय बाबा खाटू श्याम। ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और जल्दी जल्दी 400 सब्सक्राइबर पूरे कर दो, हम बहुत करीब हैं उसके। तब तक के लिए मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।